ओम शांति। सदा अपनी स्थिति को खुशनुमा रखने के लिए हमें व्यर्थ की बातें सुनने से मुक्त रहना चाहिए। खुशी बहुत बड़ा खजाना है, स्थिति सर्वश्रेष्ठ खजाना है। हमें किसी भी बात से अपनी स्थिति को खोना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग इधर उधर की बातें बहुत सुना देते हैं, डरा देते हैं। कोई सत्य घटना एक जगह हुई हो, उसमें अनेक मिलावटें करके न जाने क्या से क्या बनाकर सुनाते रहते हैं, परंतु हमें इन सब बातों में अलिप्त रहना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका कर्म हर एक के साथ है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं ही जिम्मेदार है। हम किसी के लिए क्या सोचें, हर व्यक्ति को स्वयं ही सुधारना है। और इस संसार के खेल में सभी फर्स्ट क्लास आत्माएं नहीं होती हैं। कोई फर्स्ट क्लास होंगे, कुछ सेकंड क्लास होंगे, कुछ थर्ड क्लास होंगे, कोई फेलियर होने वाले भी होते हैं। हम साक्षी होकर देखें। और मनुष्य की तब मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाती है जब उसे कोई आकर कहता है कि फलाने फलाने लोग तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, वे लोग तुम्हारे लिए ये बातें बोल रहे हैं। तब मनुष्य उन झूठी और असत्य बातों को सुनकर परेशान हो जाता है, उसकी खुशी खो जाती है। परंतु हमें अपनी खुशी इन छोटी बातों से खोनी नहीं है। हमें अपनी सत्यता में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की, इसलिए सत्य को कोई आंच नहीं, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं परम सत्य रहता है। इसलिए कोई भी ऐसी वैसी बातें बोले, वातावरण बनाए उल्टा सुलटा, इसमें अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हजार लोग भी यदि आपके बारे में गलत माहौल बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हैं, आप श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हैं, तो उन सभी के बनाए हुए निगेटिव वाइब्रेशंस को आपकी शक्तियां सहज ही ठीक कर देती हैं। तो हमें बातों में नहीं रहना है, क्योंकि जहां बातें हैं वहां बाप नहीं होता है, अर्थात वहां बाप की याद नहीं रहती है। और जहां मनुष्य बातों में बहुत रहते हैं वहां बाबा की मदद भी नहीं मिलती है, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहती है। इसलिए न स्वयं बातों में समय नष्ट करना है, न दूसरे की बातें सुनकर स्वयं को विचलित करना है। मुश्किल से हमें भगवान मिला, बहुत इंतजार के बाद हमें सत्य ज्ञान मिला है। ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहने से हमें ईश्वरीय सुख मिलता है। अब हम इस ईश्वरीय सुख का रसास्वादन करें। बातों में क्या रखा है, संसार में तो बातें ही बातें हैं, बातों की कोई कमी नहीं है और बातों में कोई सार भी नहीं है। आपके बारे में कोई कितना भी उल्टा सुलटा बोलता रहे, लेकिन आपकी स्थिति को कोई हिला नहीं सकता, ऐसी दृढ़ता अपने में धारण कर लें, तो बातें बनाने वाले भी शांत हो जाएंगे। हमारी अच्छी स्थिति देखकर उन्हें स्वयं लग जाएगी कि हम इतनी बातें करते हैं, इनकी स्थिति तो श्रेष्ठ रहती है, वो भी हमारी श्रेष्ठ स्थिति से अच्छी प्रेरणाएं लेंगे। तो आइए आज सारा दिन हम सभी बातों से परे पांच स्वरूपों के अभ्यास में रहें। अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, अपना देव स्वरूप, फिर अपना पूज्य स्वरूप, फिर ये ब्राह्मण भाग्यवान स्वरूप, और फिर हमें बनना है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप।
एक एक स्वरूप को विजुअलाइज करें, एक एक स्वरूप के बारे में अच्छे संकल्प करें, तो एक एक स्वरूप हमारे जीवन को संपन्न बनाने वाला हो जाएगा। आज हर घंटे में एक बार ये प्रैक्टिस करें। ओम शांति।